दोस्तों वश फिल्म गुजरात के थिएटर्स में सक्सेसफुली चल रही है, बट ये फिल्म अपनी कहानी में काफी कुछ मिस्ट्री छोड़ के चली जाती है। जैसे कि हितेन कुमार का ये मिस्टीरियस कैरेक्टर कि यार इन्होंने विद्या कहाँ से सीखी या फिर वो इतनी सारी लड़कियों को वश में क्यों किया था, तो ये सब सवाल फिल्म छोड़ के जाती है। बट शायद ये फिल्म एक तरह का एक्सपेरिमेंट था। जैसे सौ मूवी अगर आपने हॉलीवुड की देखी है तो वो बहुत लो बजट में बनी हुई फिल्म थी और उसके बाद से सौ के काफी सीक्वल्स बने। तो शायद हो सकता है कि कृष्ण देव याग्निक का भी यही प्लान हो कि वो स्टोरी का शायद एंड का पार्ट पहले बताना चाहते हो और हितेन कुमार का जो कैरेक्टर है उसे बाद में डेवलप करना चाहते हो। शायद वर्ष 2 में हमें हितेन कुमार की ओरिजिन स्टोरी देखने को मिले। आई एम श्योर कि गुजराती फिल्म इंडस्ट्री के लिए काफी कुछ नया होगा जहां पे वो एक फिल्म से पूरी नई फ्रेंचाइजी क्रिएट कर पाएंगे।